शराबबंदी के आड़ में गरीबों को जिस प्रकार से सताया गया है, सताए जा रहे हैं, वो शराबबंदी के चलते विषैला शराब का निर्माण बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसको पी करके लोग मर रहे हैं। बाहर के लोग आते हैं यहाँ, ऊँचे दाम पर शराब बेचते हैं, हमारे लोग ऊँचे दाम पर ले लेते हैं। हमारे सरकार के पैसा तो खराब होता ही है, व्यक्तिगत पैसा भी खराब हो जा रहा है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय लघु उद्योग मंत्री जीतन राम मांझी एक बार फिर से नीतीश कुमार के खिलाफ दिखाई दिए। नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट शराबबंदी के खिलाफ उन्होंने बातें कही। उन्होंने कहा कि बिहार में शराबबंदी है, लेकिन गरीबों का शोषण किया जा रहा है। शराबबंदी के आड़े गरीबों को प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है। गरीब पर अत्याचार होता है, बाहर से शराब आता है और गरीब के महंगी कीमत पर शराब खरीदते हैं और पीते हैं। सरकार का पैसा तो बर्बाद हो ही रहा है, लेकिन व्यक्तिगत पैसा भी बर्बाद हो रहा है। जीतन राम मांझी ने कहा कि शराबबंदी की जब तीसरी बार समीक्षा की गई, तो इस दौरान ये फैसला लिया गया था कि अगर कोई व्यक्ति शराब पीने के पर्पस से ले रहा है और उसे घर जाकर पिएगा तो उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी। लेकिन इस कानून को कारगर नहीं किया गया, इस कानून को बिहार में फॉलो नहीं किया गया और इसका अंजाम ये है कि बिहार में गरीब को प्रताड़ित किया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है। गरीब लोगों को अगर शराब पीना है, या तो वो झारखंड से लेते आते हैं या उत्तर प्रदेश से लेकर आते हैं, और महंगी कीमत पर बाहर वाले बिहार में शराब बेचते हैं और बिहार के गरीब इसे खरीदते भी हैं। शराबबंदी की वजह से गरीबों को शोषित किया जा रहा है। सरकार का पैसा तो बर्बाद हो ही रहा है, लेकिन व्यक्तिगत पैसा भी बर्बाद हो रहा है। शराबबंदी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट माना जाता है। नीतीश कुमार को शराबबंदी की वजह से महिलाओं का वोट मिला है। नीतीश बिहार में शराबबंदी और भी मजबूती से लाने के लिए हर तरफ शराबबंदी हो, बिहार में शराब ना बिके, इसके लिए लगातार कदम उठाते रहते हैं, हर पहल करते रहते हैं। और इसी बीच जीतन राम मांझी, जो कि बिहार के कभी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, मौजूदा समय में केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने नीतीश कुमार के इस ड्रीम प्रोजेक्ट की खूब निंदा की है, उसके खिलाफ बातें कही है। आप सुनिए सासाराम में जीतन राम मांझी ने क्या कुछ कहा है। शराबबंदी ठीक है, शराब नहीं पीना चाहिए, लेकिन शराबबंदी के आड़ में गरीबों को जिस प्रकार से सताया गया है, सताए जा रहे हैं, वो सोचने की बात है। और दूसरी बात है कि शराबबंदी के चलते विषैला शराब का निर्माण बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसको पी करके लोग मर रहे हैं। शराब बनाने की प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया में 2-4-5 दिन लगता है, लेकिन आज शराब 2 घंटा और 1.5 घंटा में लोग बना देते हैं। इसके चलते भी ऐसे होते हैं, नुके छुपे कुछ काम करते हैं, जिसके चलते भी गड़बड़ बातें होती है। बाहर के लोग आते हैं यहाँ, ऊँचे दाम पर शराब बेचते हैं, हमारे लोग ऊँचे दाम पर ले लेते हैं, खपत होती है। हमारे सरकार के पैसा तो खराब होता ही है, व्यक्तिगत पैसा भी खराब हो जा रहा है। इसलिए शराबबंदी के खिलाफ सदा हम नहीं रहने की बात करते हैं, लेकिन उसमें जो प्रक्रियाएं अपनाई जा रही है, शराबबंदी के नाम पर जो अनेक प्रकार की बातें हो रही है, उसके खिलाफ हम लोग हैं। उस पर एहतियाती कार्रवाई होनी चाहिए। और इस मामले में हमने नीतीश कुमार से विदेश बार वाकई किया है, और आप जानते हैं कि तीसरी बार उन्होंने समीक्षा किया है, जिसमें है कि पीने के पर्पज से शराब अगर कोई पी रहा हो, ले जा रहा हो, तो उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन उसके बाद भी सुनने में आता है कि लोगों को अरेस्ट किया जाता है। तो कानून एक अलग चीज़ है, इम्प्लीमेंटेशन समाज पर निर्भर करता है। तो समाज को भी सजग होना चाहिए और इस कानून में जो विकृतियाँ हैं, उस विकृतियाँ को दूर करने का प्रयास करें। आपने देखा कि साफ तौर पर जीतन राम मांझी ने कहा कि नीतीश कुमार का ये ड्रीम प्रोजेक्ट पूरे तरीके से फेल हो चुका है। बिहार में शराबबंदी तो है, लेकिन शराबबंदी के आड़े गरीब का शोषण किया जाता है, गरीब को परेशान किया जा रहा है। जितने पिछड़े दलित लोग हैं, वो खासकर परेशान होते हैं, और इस शराबबंदी के आड़े सरकार के साथ साथ लोगों के व्यक्तिगत पैसे भी खूब बर्बाद हो रहे हैं। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब
ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।